भैया मिली का या हिया तो नहीं ना, तुम क्या मिली का? 4.5 साल हो गए ढूंढे ढूंढे, काम का तो नहीं मिली, तुम सबका मिली का? कहाँ चली गई सोनिया गांधी? विदेश चली गई क्या, या फिर लापता हो गई? सोनिया को इतनी शिद्दत से लोग क्यों ढूंढ रहे हैं, वो भी दिन के उजाले में लालटेन की रोशनी करके? क्या सोनिया पेड़ के पीछे छिप सकती हैं, या फिर झाड़ियों के नीचे? ये लोग जिस तरह से तलाश रहे हैं, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। दरअसल आज दोपहर से सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग कहाँ गई सोनिया गांधी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया सोनिया गांधी को, आखिर वो कहाँ चली गई, क्या है पूरा माजरा, ये हम आपको समझाएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। आखिर माजरा क्या है, ये लोग हैं कौन और सोनिया गांधी को क्यों तलाश रहे हैं, बताऊंगी। लेकिन पहले ये जान लीजिए, ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है जहाँ योगी बाबा का राज है, उसी सूबे के रायबरेली का है ये वीडियो। रायबरेली कांग्रेस की पुश्तैनी सीट, यहां से इंदिरा गांधी कई बार सांसद रह चुकी हैं। वहीं 2004 से सोनिया गांधी लगातार सांसद हैं। अब सारा मुद्दा यहीं रायबरेली से शुरू हो जाता है। ये लोग रायबरेली के रहने वाले हैं और पिछले 4 कार्यकाल से सोनिया गांधी यहां से सांसद हैं। अब 4th कार्यकाल खत्म होने को आया, वीडियो में लोग कह रहे हैं कि 4.5 साल से ढूंढ रहे हैं, हमका तो न मिली, तुमका मिली क्या। इस वीडियो में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बेटे भी हैं। इस वीडियो के जरिए बीजेपी सोनिया गांधी पर सीधा निशाना साध रही है और इस बात को उजागर करना चाह रही है कि चुनाव के बाद सोनिया अपने क्षेत्र से गायब हो जाती है। भैया मिली का? भैया हिया तो नहीं ना, तुम का मिली का? 4.5 साल हो गए ढूंढे ढूंढे, काम का तो नहीं मिली, तुम सबका मिली का? दरअसल 2024 का चुनाव नजदीक है और सभी दल अपने पासे फेंक रहे हैं। आपको ये भी साथ में बता दें कि रायबरेली में विकास के नाम पर सोनिया की तरह ही सब कुछ गायब है। देखना ये होगा कि रायबरेली और देश दोनों जगह पर किसकी होगी शह और किसकी होगी मात। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।